Our cute thing inside sealed with love, baby planet. चलें खोल के देखते हैं. अभी मुझे खोल के पता चलेगा कि ये ड्रेस है किसका. एक ड्रेस ये है, एक ड्रेस है जी ये वाला, एक ड्रेस है जी ये वाला, और ये सारे गर्मियों के कपड़े हैं. ठीक है, एक ये वाला ड्रेस है. ये हैं जी सारे 800-800 के. ठीक है, चलें खोलते हैं अब इनको. तो ये है जी अब हाँ बलाज का ड्रेस, और बलाज पे बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह. वो देखो वहाँ डायनासोर आ गया, वो देखो. शिट, ये अब हाज का ड्रेस है ये वाला. और तसीब का है जी येलो कलर का. तसीब बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लग रहा है येलो कलर. यहाँ पे मैं बना रही हूँ खजूर और केले का मिल्क शेक, क्योंकि यूसुफ आया हुआ था. एसी की इंस्टॉलेशन करवानी थी क्योंकि गर्मी हो गई है इस्लामाबाद में अचानक. तो फिर उन लोगों के लिए जो है मैं खाना बना रही हूँ. यहाँ पे फ्रिज में जो है वो मटन रखा हुआ था, तो मैंने कहा चले मटन बना देती हूँ. मिल्क शेक उसने बोला ठंडा पीना है, मैंने फिर मैंने मिल्क शेक बना के जो है वो फ्रीजर में रख दिया था. और अभी फिर रमज़ान की ग्रॉसरी करने जानी है. फ्रिज बिल्कुल एम्प्टी हुआ हुआ है, गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा हुआ. घर में कोई मेहमान आ जाए अचानक से, तो मैं यहाँ देखे तैयार हुई हुई वीडियो शूट कर रही थी मैं. तो मैंने आपको बताया सारे मसाले वगैरह डाल लिए हैं उसके अंदर. अच्छा, तीन टमाटर डाले हैं मैंने, और वो साथ में मैंने डाली है प्याज दो, उसके बाद हरी मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च डाली है इसमें टेस्ट के लिए. और उसके अलावा जी थोड़ा सा ज़ीरा डाला है हमने टेस्ट के लिए इसके अंदर. मतलब ज़ीरे की खुशबू, अदरक की खुशबू, लहसुन की खुशबू आती है ना सालन से, तो बहुत ही अच्छा लगता है. उसके बाद जी हमने अपने जो मसाले रखे हुए ड्राई वो ऐड किए हैं. ये है जी हमारा हरा धनिया पाउडर, ये ख़त्म होने वाला था बिल्कुल ज़ीरा पाउडर, तो मैं दोबारा लेकर आई हूँ, मैं डालूंगी जार के अंदर. उसके बाद लहसुन ने डाला था मैंने, तो लहसुन का पाउडर यूज़ कर लिया है. हल्दी डालनी है सालन के अंदर, हल्दी लास्ट में डाला करें, हल्दी जो है ना आपको कैंसर से बचाती है. वैसे तो मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया था जो मैंने बना के रखा हुआ था, पर थोड़ा सा मैंने पाउडर फॉर्म में भी डाल दिया. तन प्योर के मसाले हैं सारे के सारे, ऑर्गेनिक मसाले हैं इनके. अदरक लहसुन और हल्दी का मसाला, प्याज का मसाला, गर्म मसाला भी है इनका. और इन मसालों का टेस्ट और जायका बिल्कुल ऐसा आता है जैसे अभी फ्रेश हमने बना के डाला है. हालांकि मैंने नेशनल के भी यूज़ किए हुए हैं, मैं नेशनल का सूखा धनिया का पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ. लेकिन मैंने इनको कहा है कि आप सूखा धनिया भी अपना लॉन्च करें और ज़ीरा पाउडर भी, क्योंकि इनके मसालों का जायका, खुशबू, हर चीज़ ज़्यादा अच्छी है. तो मसाले भूनने के बाद जो है मैंने उसको जो हमारा हैंड चॉपर है उसमें से अच्छे से ब्लेंड कर लिया. बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाता है इसका, और वो पेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है उससे सालन के अंदर. और क्योंकि मैं भूनने के बाद हमेशा ब्लेंड करती हूँ सारी चीज़ें, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का जो पेस्ट बनता है, तो ज़्यादा अच्छा जायका आता है. अगर आप कच्चा करो ना आप ब्लेंड, तो उससे इतना अच्छा जायका नहीं आता. उसके बाद जी हमने साथ आलू के चिप्स भी बना लिए थे, क्योंकि यूसुफ शौक से खाता है आलू के चिप्स. और मैंने कहा चलो यार मटन कढ़ाई के साथ आलू के चिप्स जो है वो मज़ा करेंगे. तो ये वाला इक्विपमेंट है आपको पता, जिससे आलू के चिप्स बनाते हैं. बस ये है कि इसमें जोर बहुत लगता है, और ज़्यादा बड़ा आलू हो तो वो निकलता ही नहीं इसके अंदर. इसमें जो लोहे वाला आता है ना वो ज़्यादा अच्छा, इसका जो डर लगा रहता है कि टूट ना जाए. खैर हमारे आलू के चिप्स हो गए. तो उसके बाद वकास ने मुझे ना एसी का कुछ सामान दिया था धोने के लिए, उसकी जालियाँ वगैरह सारी चीज़ें, नेट वगैरह मैंने एसी की साफ करके दी है. एसी जो है ना, हमने सोचा था कि हम ना ये गर्मियों में अपने घर होंगे, लेकिन हमारा काम इतना डीले हुआ ना, इतना डीले कि शायद अब हम सर्दियों में घर हों अगले अपने. तो खैर हमारे चिप्स कट गए हैं, जालियाँ धुल गई हैं. यहाँ पे यूसुफ लोग जो है वो एसी की इंस्टॉलेशन कर रहे थे. यूसुफ आया हुआ था, अरसलान आया हुआ था, तो मुझे कहता है मेरी प्रमोशन कर देना. नहीं क्यों, पैसा 250,000. अच्छा मटन जो है ना मैंने कुकर में उबाला था, और जो यखनी का पानी था ना मैंने वो भी सालन में डाल दिया था. बाद में आपको दिखाती हूँ. दिखाओ, हाई हो गई है. उई, ये वाली नहीं हुई, ऊपर हुई है. दिखाओ ऊपर करो, ये वाली हाई हुई है. ये खाल आई है देखो इसके अंदर, ये साइकिल में आई है, यहाँ पे हाई हुई है. क्या हुआ? साइकिल में खाल आ गई बलाज की, बेचारा. दवाई लगाऊं? उसके बाद जी वकास ने एसी का कवर भी दे दिया था धोने के लिए कि ये भी दे दो. मतलब एसी जो है ना उन्होंने पूरा खोल दिया था, फिर सारा धोया इन्होंने, यूनिट भी धोया, एसी भी धोया. क्योंकि जब भी पता है लगाते हैं तो सफाई करनी पड़ती है, और वैसे भी एसी जो है ना वो कहते हैं हर 2-3 माह बाद आपने इसको साफ करवाना होता है. उसके इतनी देर में हमारा सालन भी रेडी हो गया था. यखनी वाले पानी की वजह से ना सालन में टेस्ट बहुत अच्छा आया था. लेकिन ना मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने यखनी वाले पानी में भी नमक डाला था यखनी के लिए, और सालन में भी नमक था, तो इसकी वजह से नमक थोड़ा सा तेज़ हो गया था. तो फिर हमने साथ में क्या किया, दही प्लेन यूज़ कर ली थी. लेकिन ना हम लोग आटे में भी नमक नहीं ना डालते, अगर हम लोग रोटी बनाते ना तो फिर बैलेंस हो जाता. लेकिन ना वकास लोग ने बोला हमने नान खाने, तो फिर मैंने नान मंगवा लिए थे उनके लिए, और मैं फुल तैयार हुई थी वीडियो के लिए. तो यहाँ पे देखें खाना रेडी हो गया, शक्ल देखें सालन की कितनी अच्छी आई है. उसके बाद तसीब ने खाया नहीं मटन, तसीब ने बोला नहीं मैंने तो चाउमीन खानी है. तो तसीब के लिए मैंने वही स्पेगेटी उबाल के नूडल जो होती हैं अपनी पास्ता सेवैयां, उसको मैंने मटन के ही ग्रेवी के अंदर एक बूटी डाल के उसको दम लगा दिया था, और उसने वो खा ली थी शौक से. अच्छा भाई, तो ये फ्रोज़न फूड आया था मुझे अफशा की चंगी तरह से. रमज़ान का पैकेज और शोबान का भी ले सकते हैं आप लोग, जो शोबान के रोज़े रखते हैं 13, 14 और 15 के रोज़े लाजमी रखने चाहिए. नामा माल जाता है अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में. चलो रोज़ा होगा तो मतलब मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा पूरे साल के गुनाह, और अच्छा अच्छा लिखेगा नसीबों में. तो ये हमारा रमज़ान डील बॉक्सेस में 2 पिज़्ज़ा कचौरी हैं, 2 चिकन स्प्रिंग रोल हैं, 2 चिकन समोसाज हैं, और 2 इटालियन कॉर्न हैं. ये देखें
तो कचौरी आप लोग पूछ रहे थे मेरे से व्लॉग में कि आप ही कहाँ से मंगवाई हैं जो वकास खाते हैं, तो वो ये वाली कचौरियाँ थी। इसके अंदर जो है ना चीज़ वगैरह होती है, इनके जो चीज़ वाले पिज़्ज़ा समोसे होते हैं वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। और ये है जी पिज़्ज़ा कोन, इसमें पिज़्ज़े वाला ही सामान होता है सारा। तो ये जी हमारा रमज़ान बॉक्स है 2 पर्सन के लिए, और किसी ने मंगवाना है तो वो मंगवा सकते हैं। उसके बाद है जी हमारा आज आया है चिकन पुलाव अफशा किचन की तरफ से। मैंने अफशा किचन का चिकन पुलाव जो है अभी ये फर्स्ट टाइम टेस्ट करूँगी, मैंने कभी इनका चिकन पुलाव नहीं खाया। साथ कबाब है हमारे, और साथ है जी हमारा रायता, और साथ है जी हमारा ये क्या मुझे नहीं पता, खोल के देखते हैं। अच्छा ये जो कचौरियाँ ना ये हमने खुद मंगवाई हैं अफशा किचन से, क्योंकि वकास को कचौरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए ज़्यादा हैं। ये रमज़ान डील है, ये चिकन पुलाव है और ये है रायता। वकास थोड़ी जहमत करेंगे खोलने की, रायता बुरा ना लगे अगर आपको। बुरा लग गया मुझे, भूख लगी है मुझे। अब भूख लग गई आपको? कभी भूख लग जाती, कभी बुरा लग जाता है। कचौरी नहीं फ्राई करूंगी मैंने अभी, कब खा करूं। गुड हो गया। तो जी हमारी कचौरियां आ गई हैं वकास की। वकास ने ऐसे मुस्कुराहट दी है ना कचौरी देख के, ये वाली। अच्छा जी, तो मैं जो है इंस्टाग्राम पे इनका पेज टेक कर दूंगी, जिन्होंने बाय करनी है वहां जाके बाय कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले खुद बनाती हैं शामी कबाब। मुझे इसलिए इनके शामी कबाब अच्छे लगते हैं कि इसमें स्मेल ऐसे गंदा गंदा कच्चा कच्चा टेस्ट आता ना शामी में, पता नहीं आपको आता है क्या। मुझे बहुत आता है चिकन का टेस्ट, तो वो नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क शेक बना कर आए बगैर चीनी का, मैंने बोला कि तो खुद पी के दिखाओ ना ये। आप सही बनाया है, थैंक यू। बैठ के पीती हूँ, आज मैंने रोज़ा भी रखना है, सहरी भी करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा मैं आप लोगों को जो है ना वो शोबान के वो वज़ाइफ बताने वाली हूँ जो मैंने ख़ुद किए हैं, और मैं तकरीबन वो वज़ाइफ जो है वो असल की पैदाइश से पहले के कर रही हूँ, और उनके असर जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। और मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि ये किया करें, लेकिन लोगों को भूल जाता है, वो मुझसे पूछ रहे होते हैं बार बार। तो इस स्पेशल वीडियो के अंदर ये स्पेशल पार्ट जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें सारे मैं आपको रिज्क के वज़ाइफ बताऊंगी, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें 4 रकातें होती हैं, 2 रकात नमाज सुन्नत और 2 रकात नमाज फ़र्ज़। तो जब आप 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ लेते हो और सलाम फेर लेते हो, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 3 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होता है। पहले 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सजदे में जाएँ, और फिर 40 दफ़ा या रज़्ज़ाकू पढ़ें, और फिर दोबारा से सजदे से उठ के 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ मांग लें। या अल्लाह, या सहाबाए कराम का वजीफा है, असहाबाए कराम करते थे रिज़्क़ को, रोज़ी में तंगी होती थी उनकी, तो उनकी कुशादगी के लिए रिज़्क़ को रोज़ी की वजीफा करते थे, तो उनकी बरकत से मुझे भी कुशादगी अता करते, ठीक है। उसके बाद जो आपके 2 रकात नमाज फ़र्ज़ रह गई आप वो पढ़ लें अपनी नियत करके, ठीक है। दूसरा वजीफा मैंने बताया था कि सुबह फजर की नमाज के बाद ही जो है वो धूप निकलने से पहले पहले सुभानल्लाहि वबिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम पढ़ा करें आप लोग 100 दफ़ा, ठीक है, सूरज निकलने से पहले पहले। और इसके भी अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम ही पढ़नी है आपने। और ये वजीफा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। एक उनके दरबार में शख्स आया था जो कहता था कि मेरे रोजी में तंगी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसा वजीफा ना बताऊं कि जिसकी के रिस्क जो है वो तुम्हें खुद तलाश करके तुम्हारी तरफ आएगा। तो ये वजीफा भी जो है ना वो बहुत ही पावरफुल वजीफा है। उसके अलावा जो वजीफा है वो ये है, जब नया चांद नजर आता है ना हर माह का इस्लामी चांद जो होता है हमारा, तो आपने चांद देख के दुआ मांगनी होती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ये चांद हमारे लिए नसीबों वाला हो, बरकतों वाला हो, खुशबख्तियों वाला हो, सलामती वाला हो। ये भी सुन्नत तरीका है। और दूसरी चीज ये है कि सूरह फतह पढ़ते हैं 3 दफ़ा नया चांद देख के, रमजान में तो स्पेशल पढ़ते हैं, और वैसे भी आप नया चांद देख के सूरह फतह पढ़ सकते हैं 3 दफ़ा, उससे भी सारा साल रिस्क में कुशादगी रहती है। और उसके अलावा जो वजीफा है वो ये है कि आप मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाकिया पढ़ा करें। सूरह वाकिया पढ़ना खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाकिया पढ़ने का मामूल बना लें। इससे भी कभी भी घर में फाके, गुरबत और बेरोजगारी नहीं आती है। एक और चीज़ यह है कि अभी माह शोबान है, हम सब 14 और 15 शोबान के रोज़े रखते हैं। आप सबको इस चीज़ पे यकीन है कि अल्लाह ताला के हुजूर जो है हमारे नामा माल पेश होते हैं, और पूरे साल का रिज्क, रोज़ी, शादी, किसको जाना है इस दुनिया से, कौन हज पे जाएगा, किसके घर बच्चा होगा, हर चीज़ जो है वो माह शोबान की 15वीं रात अल्लाह ताला लिखता है। और अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, और अल्लाह ताला बोलता है मांग मेरे बंदे, तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए उस रात स्पेशल। लोग ये भी बोलते हैं ना कि नहीं भाई आज इबादत करें, पूरा साल नहीं करते, तो आज तो कर लो ना, अगर पूरा साल नहीं की तो अल्लाह ताला ये तो देखेगा ना कि देखो मेरे बंदे को मुझसे कितनी उम्मीद है, कि इसको पता है कि मैं मांगूंगा तो अल्लाह देगा। और अल्लाह ताला ने ना ये भी बोला हुआ है कि मैं आपके गुमान के जैसा हूँ, कि जैसा हम अल्लाह से गुमान करते हैं ना, अगर हम अल्लाह से अच्छा गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला ये बात सुनेगा, अल्लाह ताला मेरी ये चीज़ पूरी करेगा, तो अल्लाह ताला वो ज़रूर करता है। आप लोग आजमा के देख लो, जैसा हम अल्लाह से गुमान रखते हैं ना अल्लाह हमारे साथ बिल्कुल वैसा है। और ये बात हदीस में भी है कि अल्लाह हमारे गुमान के जैसा है। माह शुबान में चावल वाला वजीफ़ा किया था मैंने, आप सबको बताया भी था।
ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा यकीन है। और बहुत ही सिंपल सा वजीफ़ा है। करना क्या होता है, आपने 7 दाने लेने होते हैं चावल के, कोई भी चावल, चावल के 7 दाने लेने हैं आपने। ईशा की नमाज़ पढ़ के वजू में होना है आपने, ठीक है, ईशा की नमाज़ पढ़ के आपने उसके बाद करना है ये वाला वजीफ़ा, दुआ वगैरह पढ़ के अपनी, उसके बाद आपने वजीफ़ा करना है। आपने 7 दाने चावल के लेने हैं, पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है 11 दफ़ा, और उसके बाद आपने हर दाने पे 70 दफ़ा या रज़ाकू पढ़ना है। या रज़ाकू ना अल्लाह का सिफाती नाम है, और इस नाम में बहुत बरकत है, बहुत बरकत, मैंने ये अपनी ज़िंदगी में देखी है ये बरकत। तो आपने 7 दानों पे या रज़ाकू पढ़ना है 70 दफ़ा, और जब आप 70 दफ़ा पढ़ लेंगे उसके बाद आपने दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना। आपको पता ना दुरूद इब्राहिमी में 2 दुरूद आते हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, दूसरा अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। तो स्टार्टिंग में आपने सैयदिना वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 दफ़ा, फिर हर दाने में 70 दफ़ा या रज़ाकू पढ़ना है, और फिर जब वजीफ़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर हमने 11 दफ़ा अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद यूँ वो वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है, 11 दफ़ा। उसके बाद आप लोगों ने दुआ करनी है, और उन चावल को मैं टेप के अंदर रखती हूँ, जो बड़े वाला टेप होता है वाइट टेप, उसके अंदर डाल के मैं वकास के वॉलेट में डाल लेती हूँ। मैं एक नहीं पढ़ती हूँ, मैं 3-4 जगहों पर पढ़ लेती हूँ, जहाँ जहाँ पे हमारे पैसे रखे होते हैं मैं वहाँ पे उस चीज़ को रख देती हूँ, पूरे साल वो रखी होती है। और मैं ये नहीं करती कि अगर मैंने पिछले साल पढ़ा है तो मैं इस साल नहीं पढ़ूंगी, मैं हर साल पढ़ती हूँ हर साल, क्योंकि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में इसकी बरकत देखी हुई है। मुझे वजीफ़ा में बेहद यकीन है। आपको पता है मैंने बेटों के लिए भी वजीफ़ा किया था, क्योंकि 3 बेटियाँ हो गई थी ऊपर नीचे, और बहुत ही प्रेशर था ससुराल वालों का, तो मैंने वजीफ़ा किया था। तो अल्लाह ताला ने मुझे वजीफ़े की बरकत से, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, और वो वजीफ़ा कुरान पाक से था, कुरान पाक की एक आयत थी जो पढ़नी होती थी, जो कि मैंने आप लोगों को भी बताई थी, और काफ़ी लोगों ने नीचे कॉमेंट किया था कि अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से हमें भी दिया। और यकीन के साथ करना है, वजीफ़े के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी है। वजीफ़ा जब आप कर रहे होते हैं, जैसे हम ताला है ना, ताले की चाबी होती है ना, उसका एक नुकता भी आगे पीछे हो जाए तो वो चाबी ताले में नहीं लगती। सेम ऐसे वजीफ़ा होता है कि आपने वजीफे को पूरे यकीन से करना होता है। नमाज की पाबंदी करनी है आपने, नमाज फर्ज है, ठीक है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे आप सोच रहे हैं हमारी दुआ कबूल हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। नमाज की पाबंदी करनी है आपने। उसके अलावा जी वजीफा जो है आपने प्रॉपर करना है, जैसे करते हैं बीच में किसी से बातचीत नहीं करनी, और यकीन से करना है कि अच्छा मैं कर रही हूँ, मेरा काम जरूर होगा, और आप देखना जरूर होगा। उसके अलावा शोबान में हम लोग पढ़ते हैं, जब 15 शोबान आती है तो मैं पढ़ती हूँ, अपना बता रही हूँ आपको, मैं जो है यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, मतलब उसका पूरा एक प्रॉपर वे होता है कि उसमें ना हमें रकातें पढ़नी होती है नवाफिल की, मगरिब की नमाज के बाद जिस नफल पढ़ना होता है, उसके बाद हर रकात के बाद जो है ना, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के बाद दिलकुर्सी पढ़नी होती है, उसमें सलाम फेरने के बाद दुआएं निसफ शोबान और यासीन शरीफ पढ़नी होती है। उसकी मैं तस्वीर यहाँ लगा दूंगी पूरे वजीफे की, आप लोग देख लेना, मैं वो करती हूँ हर शोबान में, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ ना इतना ही टाइम मिल पाता है कि मैं पूरी रात इबादत नहीं कर सकती। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इबादत जो है ना वो सिर्फ जवानी की है, शादी के बाद और इतने काम होते हैं ना कि टाइम नहीं मिल पाता है, बंदा फ़र्ज़ पूरे कर लेना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लड़कियाँ जिनके अभी शादी नहीं हुई है ना, वो वीडियो देख रही है, तो जितनी इबादत आप कर सकते हैं ना सीरियसली कर लें, फिर आपको शादी के बाद दुख होगा कि जैसे मैं शादी से पहले इतकाफ़ में बैठी थी, मैं नहीं बैठ सकती इतकाफ़ में, मुझे बहुत होता है यार मैं इतकाफ़ में नहीं बैठ सकती। सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं रोज़ी में कुशादगी के लिए, और वो भी धूप के निकलने से पहले पहले, यानी कि सूरज की पहली किरण तुलू होने से पहले पहले करना होता है। ये सारे वजीफ़े मैंने खुद पढ़े हुए हैं, खुद पे आजमाए हुए वजीफ़े हैं, ये प्रॉपर कर रही हूँ मैं ये वजीफ़े, तो आप लोग भी करना इंशाल्लाह, देखना आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप लोग कमेंट में बताओगे कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो एक का भी भला हो जाए, कोई एक भी दुआ कर दे तो कितना, मतलब नहीं आप पार लग जाएगी मेरी तो। तो यार आप लोग अपने लिए भी ढेर सारी दुआ करना 14-15 शोबान को, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह ताला सब के रोज़े रिस्क में इजाफ़ा करे, जिनकी शादियां नहीं हो रही अल्लाह करे उनकी शादियां हो जाएं, उनके अच्छे रिश्ते मिल जाएं, जो हज उमरे पे जाना चाहते हैं अल्लाह करे वो हज उमरे पे चले जाएं, अल्लाह ताला जो है किसी शोहर को बीवी से, किसी बीवी को शोहर से, किसी बच्चे से माँ बाप को, माँ बाप से किसी बच्चे को जुदा ना करें, उनमें किसी को उनको उनसे दूर ना हो, आमीन। सब के लिए अल्लाह खैर लिखे, आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला स्पेशल ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हादसाती मौत से बचाए, अल्लाह ताला बुरी तदबीर और तकदीर से बचाए, अल्लाह आमीन बिजहिन नबीउल आमीन। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखना, आप सब भी मेरी दुआओं में रहते हो हमेशा, मेरा नाम लेके, मेरे बच्चों का नाम लेके, स्पेशल दुआ करना मेरे हस्बैंड का नाम लेके, और बस ढेर सारा ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़।